फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा शरफ फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैं आज लाइव स्केच के लिए जा रहा हूँ और ये पहली बार ऐसा कोई मैं इवेंट ज्वाइन कर रहा हूँ और मेरे को लगता है कि मैं ठीक से परफॉर्म कर पाऊँगा। लेट्स सी अब क्या होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं रायपुर, अभी निकल रहे हैं राजनांदगांव से और मुझे ये महिला भी मेरे साथ जा रही है। प्लीज़ चलो ठीक है, वहाँ पहुँच के बात करते हैं। हम यूनुस आर्ट गैलरी पहुँच चुके हैं और थोड़े ही टाइम बाद हमारा ये लाइव सेशन चालू हो जाएगा, तो मैं आपको एक बार इंस्टीट्यूट अंदर से दिखाता हूँ कैसा है। ओह गॉड, 2018 के बाद मैं आज यहाँ पे आ रहा हूँ और इतना अमेजिंग फील है मैं आपको बता नहीं सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव मॉडल पेंटिंग का जो इवेंट है वो स्टार्ट होने वाला है, सब तैयारी हो चुकी है। चलिए, ये है वीना सिंद्रे जी, हम इनसे बातें करते हैं और जानते हैं आज के दिन के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, मैं ये मेरी पहली एक मैं कहूँगी लाइव पेंटिंग का एक पहला मेरा एक इवेंट है मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी इस तरीके की पेंटिंग के इवेंट पे या कार्यक्रम पे मैं कभी नहीं गई। ये मेरा पहला है और बहुत एक्साइटेड हूँ कि अभी सारे जो आर्टिस्ट हैं वो मेरी एक पेंटिंग बनाने वाले हैं और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फ्रेंड्स, ये इवेंट रायपुर में हो रहा है, यूनुस आर्ट गैलरी के द्वारा ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया लाइव मॉडल पेंटिंग का और इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। मॉडल बीच में बैठी है और बाकी सारे आर्टिस्ट उसको घेर के बैठ चुके हैं अलग अलग पोजीशन में। एंड जनरली लाइव मॉडल पेंटिंग ऐसा ही होता है, सेंटर में एक मॉडल बैठती है और बाकी सारे आर्टिस्ट उसको देख के बनाते हैं। जनरली ये 2 से 4 घंटे का सेशन चलता है जहाँ पे आपको लाइव देखकर बनाना होता है। लाइव पेंटिंग इसलिए किया जाता है इससे कि हमारा जो देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल सही रहे, एक्यूरेट रहे, कौन से एंगल पे कितना बनाना है ये सब चीज़ की हमको प्रैक्टिस हो। चलिए देखते हैं बाकी आर्टिस्ट ने क्या बनाया है। वैसे तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, ज़्यादा कुछ बना नहीं होगा। यहाँ पे एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, एक्चुअली आर्ट में एज का कोई लिमिट होता ही नहीं है। आप किसी भी एज में अपना ये पैशन, जो अपना ये टैलेंट है वो दिखा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सबसे यंग मैं ही था इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाला और स्केच बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली मतलब बहुत अच्छा बन गया। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना अच्छे से बना पाऊँगा। और ये हमारी कैमरामैन, सारा शूटिंग इसी ने किया है, थैंक यू सो मच याशिका आने के लिए, और इसको मैं लेके आया था अपने साथ। चलिए मैं आपको अपनी स्केच दिखाता हूँ। ये है वो स्केच जो मैंने बनाया है पिछले 4 घंटों में बैठ के, काफ़ी अच्छा और स्मूथ वर्क हुआ है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं इतना अच्छा बना पाऊँगा, सबको बहुत पसंद आया और थैंक यू सो मच यूनुस सर जो आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी, आपने मुझे इन्वाइट किया यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड चलिए एक बार हम बाकी आर्टिस्ट का वर्क भी देख लेते हैं एक के बाद एक, काफ़ी अच्छा और बहुत ही, ये तो 15 मिनट के अंदर में ही बना है। ये जो सर थे वो काफ़ी लेट आए थे एंड ये अयाज ने बनाया बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग और ये मेरी स्केच। मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छा एक आर्ट फॉर्म है पेंटिंग करना और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ आके। पहला एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ में और बिल्कुल आप लोग मेरे साथ जो भी आप लोगों ने स्केच तैयार किया है या पेंटिंग तैयार किया है आप मुझे शेयर कीजिएगा, मैं डेफिनेटली अपने सोशल आईडी में पोस्ट करूँगी आप लोगों के नाम के साथ में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ऐसा था हमारा आज का दिन और हमारा ये लाइव पेंटिंग सेशन का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। एंड थैंक यू सो मच यूनुस सर जो आपने ये अपॉर्चुनिटी दी और ये ऐसा आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, बहुत ही मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यूनुस सर का और वीना सिंद्रे मैम का इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसके थ्रू कर सकते हैं।